YouTube चैनल परीक्षा सहपाटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं रितु चलिए जैसे कि आपको पता है हम जो यू जी नेट लाइब्रेरी का टेस्ट आपका चला हुआ है टेस्ट हम करते हैं दस दस क्वेश्चन का डेली आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको ट्वेंटी क्वेश्चन मिलते हैं और दस सेकंड का आपको समय मिलता है एक क्वेश्चन में आपको दस सेकंड का समय मिलता है आंसर बताने के लिए तो डेली जो हम धीरे धीरे करके जो अपना एक टेस्ट करें जितना हमने पढ़ लिया उसी से आपका जो टेस्ट है वो आपका लिया जा रहा है कितने क्वेश्चन आप दे सकते हो कितने क्वेश्चन आपसे आते हैं कितने क्वेश्चन आपने के तैयार है ये सब आपको पता चलता रहे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है पहला जो क्वेश्चन हमारा है चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है है अभी नहीं क्या कहता है यू जी सी इन्फोनेट प्रोजेक्ट का मोटो है उच्चतर शिक्षा में सूचना पहुँच का अधिकतर का अधिकतम जो कारण कारण है तो करण करना रीजन आर द फाइनेंशियल ग्रांट्स ऑफ यू जी सी इन्फोनेट आर नॉट बी फुली यूटिलाइज बाई लाइब्रेरीज फॉर दशाइंट परपज सरकार है यूजीसी इन्फोनेट द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय अनुदानों का समुन्दि परियोजना के लिए सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालयों द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता तो इसमें आपको 10 सेकंड या इसके ऑप्शन आपके दिए गए ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर फोल्स ए और आर दोनों एसत्य ऑप्शन बी इज टू एंड आर इज पार्शली टू ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है ऑप्शन सी ए इज टू एंड आर इज फोल्स ए सत्य है और आर असत्य है ऑप्शन डी ए इज पोल्स सत्य और आर सत्य है दस सेकंड आपको मिले क्वेश्चन फर्स्ट का राइट right आंसर क्या है दस सेकंड में आपको अपना राइट right आंसर बताना है क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ इसमें जो असर्शन दिया गया अभिकथन जो है वो ट्रू दिया गया सत्य आपका है लेकिन जो तर्क है ये आपका पार्शियली ट्रू है पार्शियली क्या है ट्रू आपका है तो इसमें पार्शियली ट्रू है आंशिक आपका सत्य होगा तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ए इज ट्रू इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है और जो आर होगा वो आंशिक रूप से क्या है सत्य है ट्रू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित को सुमेलित करना है मैच आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड जो सूची फर्स्ट है और जो सूची सेकंड है उसका मिलान करना होगा मैच आपको करना है तो इसमें पहला आता है ट्रेड पब्लिशर व्यावसायिक प्रकाशन बी सब्जेक्ट बुक पब्लिशर विषय ग्रंथ प्रकाशन सी गवर्नमेंट प्रेस सरकारी प्रेस डी है स्कॉलरली पब्लिशर विधता प्रकाशन इसका जो मिलान करना है लिस्ट सेकंड से जिसमें यूनेस्को है अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी है हैपर कोलिंसी है और डी डब्ल्यू बी सोंडर्स तो इसका आपको मैच करना है दस सेकेंड आपको मिले क्वेश्चन ये इसके ऑप्शन आपके दिया गया चारों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से इसमें मैच करना है दस सेकंड का आपको टाइम मिला था चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हो तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करते सबसे पहले ट्रेड पब्लिशर व्यवसायिक प्रकाशन तो व्यवसायिक प्रकाशन हो जाएगा है पर कोल्स हार्ड पर जो कोलिंस है फिर है सब्जेक्ट बुक पब्लिशर विषय ग्रंथ प्रकाशन हो गया डब्ल्यू बी सेश फिर ऐसी गवर्नमेंट प्रेस सरकारी जो प्रेस होगा ये होता है यूनेस्को और डी है स्कॉलरली पब्लिशर विधता प्रक प्रकाशन विधता प्रक प्रकाशन जो है ये हो जाएगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन सेकंड का जो सीक्वेंस बनेगा ये बना आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन सेकेंड का ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थर्ड है मैच द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सपोर्टेड बाय यूजीसी यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है सपोर्ट दिया जाता है तो कौन सी एक्टिविटी है वे पहला पहला है फैसिलिटेटिंग इनक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिक अभिगम का सरलीकरण बी सेकंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज सैरिकुलम संशोधित पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना थर्ड मेकिंग पॉलिसीज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास के लिए नीतियाँ बनाना चौथा है फंडिंग ओल अकेडमिक लाइब्रेरी सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों को निधि देना तो इसमें आपको जो क्वेश्चन थर्ड है इसका मैं आपको पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन इसका आपका कौन सा राइट right होगा ये आपके चारों ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है बी ऑप्शन है पहला और तीसरा सही है सी ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है डी ऑप्शन पहला और चौथा सही है दस सेकेंड आपको मिलेगा क्वेश्चन थर्ड का राइट right आंसर क्या होगा कौन कौन सी इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही दी गई है तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगी चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हो इसमें फैसिलिटिंग इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधि अभिगम का सरलीकरण और मेकिंग पॉलिसीज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास के लिए नीतियाँ बनाना तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है पहला और तीसरा सही होगा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ Indian National Advisory Board for Libraries was set up in 1966 by. पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्शी बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो ये जो स्थापित है स्टैब्लिश है वो किसके द्वारा किया गया था 1966 में ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भारतीय विश्वविद्यालय संघ ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन योजना आयोग ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो दस सेकेंड आपको

चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ राइट आंसर जो होगा इसका है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसे स्थापित किया गया था इस्टेब्लिश इसको किया गया है यूजीसी की जो स्थापना थी वो 1956 में की गई थी 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन फिफ्थ है असोशन वाला क्वेश्चन है फिर से असोशन ए यू जी सी इज फाइनेंशियली सपोर्टिंग ऑल अकेडमिक लाइब्रेरीज अभी कथन ए है यू जी सी सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहयोग दे रहा है रीजन आर यू जी सी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ फायर एजुकेशन इन इंडिया सरकार है यूजीसी मुख्यतः भारत में उच्च शिक्षा के पुस्तकालयों का समग्र विकास के प्रति क्या है उत्तरदायी है उत्तरदायी होगा तो इसमें ये आपको ऑप्शन इसमें दिया गया ऑप्शन ए है ए इज फॉल्स एंड आर इज टू ए असत्य है और आर सत्य है ऑप्शन बी ए इज टू एंड आर इज फॉल्स ए सत्य है और आर एसत्य है ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू ए और आर दोनों सत्य है ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स ए और आर दोनों असत्य है तो दस सेकेंड आपको मिले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट right आंसर क्या है दस सेकंड में आपको राइट right आंसर इसका बताना है क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त है इसमें जो आप कथन है जो असेशन है ये क्या दिया गया ट्रू आपका है और जो रीजन है ये आपका असत्य है असत्य आपका होगा असेशन जो है असत्य है फॉल्स है और जो तर्क है ये सत्य आपका दिया गया है तो राइट right आंसर जो होगा क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट है ए इज फॉल्स एंड आर इज टू ए असत्य है और आर सत्य है ए क्या है असत्य है और जो आर है वो सत्य दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव यूनेस्को वाज स्टैब्लिस्ड इन पर ग्रंथालय एवं अभिलेखागार यूनेस्को पर अंतर्राष्ट्रीय समिति कब स्थापित की तो अंतर्राष्ट्रीय जो समिति थी वो कब स्थापित की गई है कब इसे स्थापित किया गया था ऑप्शन है उन्नीस ऑप्शन बी उन्नीस ऑप्शन डी उन्नीस ऑप्शन डी उन्नीस तो कब इसे स्टैब्लिश किया गया था दस सेकंड आपको मिले क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर क्या होगा तो जो इसमें परलेखन ग्रंथालय और जो अभिलेखागर यूनेस्को है उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय समिति पूछी गई कब इस्टैब्लिश की गई थी तो कब इसे इस्टैब्लिस्ड किया गया था तो इसको जो इस्टैब्लिश किया गया नाइनटीन सिक्सटी सेवन में इस्टैब्लिश किया गया था उन्नीस सौ सड़सठ में स्थापित किया, किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन सेवन है हु आर एसोसिएटेड विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ रविंद्र भवन विश्व भारती रविंद्र भवन विश्व भारती के संकलन के डिजिटीकरण के, के साथ कौन जोड़ा है तो कौन जुड़ा है पहला आर आर एल एफ दूसरा सी डेक तीसरा निक चौथा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय दस सेकेंड आपको मिले दस सेकंड में आपको आंसर बताना है कि कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है तो कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ होगा ये आपको बताना है तो कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है तो इसमें जो जुड़ा हुआ है आर आर एल एफ है जुड़ा हुआ और निक पहला और तीसरा जो होगा इसमें सही है क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर ऑप्शन ए है पहला और तीसरा सही है पहला और तीसरा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ थाउजेंड करोड़ प्लान टू लिंक नाइन थाउजेंड लाइब्रेरी इन इंडिया भारत में नौ हजार पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए एक हजार करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है तो कौन सा वो संगठन है जो जुड़ा हुआ होगा पहला है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय दूसरा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन तीसरा चौथा इसमें इसमें आपका तो कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है दस सेकेंड आपको मिली क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन एट में कौन कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है आपको बताना है तो कौन कौन सा था जो जुड़ा हुआ है चलिए इसमें एक तो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज जुड़ा हुआ है और आरआरएलएफ जो राजा राम मोहन रॉयल लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये दोनों जुड़ा हुआ है तो बी और डी सही है दूसरा और चौथा इसमें जो होगा वो सही है तो इसमें जो राइट आंसर है राइट जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है दूसरा और चौथा सही है ऑप्शन डी करेक्ट है बी डी दूसरा चौथा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन हु इज द कंपीलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रम रमिंद्रनाथन टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलन करता कौन है तो संकलन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन था ऑप्शन ए बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन बंगाल पुस्तकालय संघ ऑप्शन बी आर आर एल एफ ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय ऑप्शन डी आइशलिंग आई ए एस एल आई सी दस सेकेंड आपको मिले क्वेश्चन नाइन्थ का करेक्ट आंसर क्यों है तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर जो वेब ग्रंथ सूची का जो संकलन करता है वो कौन था तो संकलन करता यानी कंपाइलर इसमें पूछा गया कि कंपाइलर कौन था तो कंपाइलर जो था वो था आर आर एल एफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित का मिलान कीजिए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, से मैच करना है ए करंट बायोग्राफी बी इंडेक्स ट्रांसलेटनम सी विनिटी और डी है लाइब्रेरी ट्रेंड इसी तरह इसमें आपको मैच करना है रशिया से यूनिवर्सिटी ऑफ विलियन से और यू एस से यूनास्को इन से आपको मैच करना है दस सेकेंड आपको मिले ये इसके ऑप्शन देगा क्वेश्चन टेन का करेक्ट जो आपका मैच है वो कौन सा होगा क्वेश्चन टेन का राइट आंसर आपको बताना है दस सेकेंड आपको दी गई है चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हो तो करंट जो बायोग्राफी है करंट बायोग्राफी हो जाएगी यूएसए फिर है इंडेक्स ट्रांसलेटिनम ये हो जाएगा यूनेस्को फिर है विनिटी विनिटी जो है ये रशिया हो जाएगी और लाइब्रेरी ट्रेंड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस इली इली न्यूज आपकी हो जाएगी तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा क्वेश्चन टेन का जो सीक्वेंस बना थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ए करेक्ट है ऑप्शन ए जो होगा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन असर्शन ए यूजीसी हैज डिवाइड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ फैकल्टी एंड लाइब्रेरियस अभिकता यू जी सी ने संकाय सदस्यों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति के लिए निष्पादन सूचक तैयार किए हैं रीजन आर परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर मेरिटरेटिंग कारन आर है, है योग्यता श्रेणीकरण के लिए निष्पादन मूल्यांकन महत्वपूर्ण उपकरण है तो दस सेकेंड में आपको इसका राइट आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा दस सेकेंड आपको मिले है ये इसके ऑप्शन है क्वेश्चन यानी ए और गल, सही है और आर गलत है तो इसका जो राइट right आंसर है राइट right आंसर है इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है ऑप्शन सी करेक्ट है बोथ ए एंड आर आर टू ए और आर दोनों सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है अरेंज इन सिक्वेंस द फॉलोइंग कमिटीज वर्कशॉप इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित समितियों कार्यशालाओं को उनके बनने के वर्ष में क्रम हमें आपको व्यवस्थित करना है पहला यूजीसी कमेटी फॉर डेवलपमेंट फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज एस आर रंगनाथन विश्वविद्यालय एवं कॉलेज पुस्तकालय विकास पर यूजीसी समितियां एस आर रंगनाथन सेकंड यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज डॉक्टर यशपाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समितिया प्रो यशपाल थर्ड है यू रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस एस आर रंगनाथन यूजीसी पुस्तकालय विगा पुनरावलोकन समिति एस आर रंगनाथन चौथा यूजीसी वर्कशॉप ऑन स्टैंडर्ड फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज यूजीसी कॉलेज पुस्तकालय मानदंड कार्यशाला तो इसमें आपको बताना कौन सा सही होगा दस सेकेंड आपको मिला क्वेश्चन ट्वेल्थ का जो सीक्वेंस बनेगा वो कौन सा आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्वेश्चन ट्वेल्व का राइट आंसर क्या है चलिए इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी पहला तीसरा चौथा दूसरा करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन निम्न अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना अरेंज करना होगा पहला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो बी दूसरा है ए फेजी रिपोर्ट सी लाइब्रेरी एडवर्जी कमेटी रिपोर्ट डी फोर्थ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन तो इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है दस सेकेंड आपको मिले क्वेश्चन थर्टीन का तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे आपका लगेगा चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ तो सबसे पहले तो जो सबसे पहले आएगा आपका फाज रिपोर्ट इसकी जो ईयर है ये नाइनटीन फोर्टी इसके बाद आएगा लाइब्रेरी घोषणा पत्र तो ये हो जाएगा इसका जो लाइब्रेरी घोषणा पत्र उन्नीस सौ उनचास देन आएगा सलाहकार समिति रिपोर्ट सलाहकार जो समिति रिपोर्ट है एडवाइजरी जो रिपोर्ट है यह उन्नीस सौ सत्तावन की है और आर आर एल एफ आपको पता है उन्नीस सौ बहत्तर तो इसका जो सिक्वेंस सेकेंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इसका सिक्वेंस बनेगा चलिए सेकेंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो सेकेंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड जो है इसमें आपका सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड जो है इसमें आपका दिया नहीं गया तो कोई सा भी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एसोसिएशन है ए नोटिफिकेशन टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड नाइन मैंडेटर्स सबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीज एंड डिसन बाई द रिसर्चर्स इन यूनिवर्सिटीज टू फैसिलिटेट ओपन एक्सिस अभी कथन है यू जी सी विज्ञाप्ति दो हजार नौ ने विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक थीसीस तथा डेजर्टेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है ताकि मुक्त अभिगम सुलभ हो जाए रीजन आर यू जी सी वॉन्ट्स टू मोनिटर द क्वालिटी ऑफ रिसर्च थ्रो ओपन एक्सिस तर्क इसमें दिया गया है कारण जो है यूजीसी मुक्त अभिगम के द्वारा शोध की गुणवत्ता की निगरानी करना चाहता है तो दस सेकेंड आपको मिला क्वेश्चन जो है है आपका 14, इसका राइट आंसर क्या क्वेश्चन नंबर में करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन फोर्टीन का राइट आंसर क्या है चलिए इसका जो राइट आंसर है इसमें आसर्शन जो है वो ट्रू दिया गया सत्य है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है असत्य आपका ऑप्शन है।, है करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू आर एन का जो उदाहरण है वो निम्नलिखित जो ऑप्शन आपको देगा इनमें से कौन सा है यू आर एन का उदाहरण यू आर एन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम रिसोर्स नेम जो है यू आर एन का फुल फॉर्म होती है तो इसका जो फुल फॉर्म है यानी कौन सी इसमें होगा ऑप्शन ए यू आर एल ऑप्शन बी यू आर आई ऑप्शन सी डी ओ आई ऑप्शन डी आई बी एन तो कौन सा है ये आपसे पूछा गया है दस सेकेंड आपको मिला है क्वेश्चन फिफ्टीन का करेक्ट आंसर क्या है दस सेकेंड में आपको राइट right आंसर इसका बताना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का करेक्ट आंसर क्या होगा <laughs> तो यू आर एन का जो एग्जाम्पल है तो इनमें से एग्जाम्पल कौन सा यू आर एन का आई एस बी एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द सी आई पी इंडिया प्रोजेक्ट इज एन इनिटेशन ऑफ सिप इंडिया प्रोजेक्ट किसका प्रयास है तो ये किसका प्रयास था ऑप्शन है आर 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 एफ ऑप्शन बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ऑप्शन से निश्केयर ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया दस सेकेंड आपको मिला क्वेश्चन तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो सिप जो है सिप जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो किसका प्रयास है किसका इनिटेशन है ये पूछा गया है. तो किसका यह प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट जो है ये किसकी है तो ये किसकी है ये है RRLF की राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ऑप्शन है क्वेश्चन सेवनटीन में पूछा गया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एसडीपी फॉर पब्लिक लाइब्रेरियंस इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों के कौशल विकास कार्यक्रम एस डी पी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है तो किसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ऑप्शन बी डायरेक्ट्रेट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ग्रंथालय सेवा निदेशालय पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा ऑप्शन डी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय ग्रंथालय संघ के द्वारा तो दस सेकेंड आपको मिले क्वेश्चन सेवनटीन का करेक्ट आंसर क्या है दस सेकेंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है कि जो भारत है उसमें जो सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए जो कौशल विकास है उसका जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था तो ये आर आर एल एफ के द्वारा प्रारंभ किया गया था ऑप्शन सी करेक्ट है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम आई एफ ए पी बाज लॉन्चड बाई इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम आई एफ ए पी किसने प्रारंभ किया था तो किसने ये स्टार्ट किया है किसने ये प्रारंभ किया था ऑप्शन है इफला ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑप्शन सी ओ सी एल सी ऑप्शन डी यूनेस्को तो दस सेकंड आपको मिला है क्वेश्चन एटीन का करेक्ट आंसर क्या है तो इन्फॉर्मेशन फॉर जो ऑल प्रोग्राम जो आईएफएपी है वो लॉन्च जो है वो किसके द्वारा किया गया किसने इसे प्रारंभ किया था तो किसने प्रारंभ किया है यूनेस्को ने प्रारंभ किया था ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यूनेस्को राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इनटीन यानी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है चलिए इसका जो राइट right आंसर था आपका तो इसमें पूछा गया इसमें आपका है क्वेश्चन नाइनटीन में अरेंज करना है इसमें आपको अरेंज द इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग जो इनिशिएटिव ऑफ द यूजीसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया भारत में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू जी सी की निम्निखित पहलों को आपको कल, काल क्रम अनुसार इसमें व्यवस्थित करना है लगाना होगा पहला ए स्पॉन्सर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर राष्ट्रीय सूचना केंद्रों का प्रयोजन बी मैचिंग गैंड्स ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सदृश अनुदान सी अपॉइंटमेंट ऑफ लाइब्रेरी कमिटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज चेयरमैन एस आर रंगनाथन विश्वविद्यालय

जो है इसमें बनेगा आपका सबसे पहले जो इसमें आएगा क्वेश्चन नाइनटीन में तो यह आपका पहले नंबर पर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लाइब्रेरी कमिटमेंट ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी चेयरमैन एस आर रंगनाथन देन आएगा मैचिंग महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सदृश अनुदान इसके बाद आएगा फिर आपका स्पॉन्सर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर देन आएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन फ्लिप नेट तो इसका जो सिक्वेंस बना यह बनता है सी बी ए डी ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नाइनटीन का ऑप्शन ए जो होगा वो राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएशन विद द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज निम्नलिखित संगठनों में से कौन से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़े हैं तो कौन से जुड़े होंगे ऑप्शन ए यूनेस्को बी आर आर एल एफ सी इन फ्लिपनेट और डी डी आर टी सी तो कौन कौन इसमें जुड़ा है दस सेकंड आपको मिला क्वेश्चन ट्वेंटी में तो कौन कौन जो है वो जुड़ा हुआ है ये इसमें पूछा गया है तो जुड़ा हुआ कौन कौन होगा कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का तो इसमें जो जुड़ा हुआ है एक तो आपका यूनेस्को है दूसरा आर आर एल एफ़ तो यूनेस्को और आर आर एफ यूनेस्को इसकी जो स्थापना ईयर है ये उन्नीस सौ छियालीस और आर आर एल एफ़ की उन्नीस सौ बहत्तर आपकी है और जो डी आर टी है ये एस आर रंगनाथन के द्वारा स्थापित किया गया था कहाँ पर उन्नीस सौ बासठ में बेंगलोर में नेक्स्ट इसमें जो आपका ए भी आपका सही है ए भी जो है ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा क्वेश्चन ट्वेंटी का लास्ट क्वेश्चन था इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ए भी सही होगा ए भी राइट है चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखे वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू